आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी मुकदमे में शराब घोटाला का आरोप लगा करके गिरफ्तार किया गया है, जिसके अगेंस्ट हम लोग जो है लोकतंत्र की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हम लोग इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में बैठे हुए थे। लेकिन इसी बीच जौनपुर की पुलिस बड़ी निरंकुशता के साथ आती है और हमारे साथियों को घसीट कर ले जाती है और हमें लोकतंत्र में अपनी बात कहने का मौका नहीं देती है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक ज्ञापन माननीय डीएम साहब को हम लोग देने आए हैं कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या जो की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उस पर तत्काल राष्ट्रपति महोदय अंकुश लगाएं और देश में जो अराजकता है, जो विपक्षी दलों के दमन का कार्य चल रहा है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बिल्कुल जायज़ नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है कि विपक्ष की आवाज़ को इस तरीके से दबाया जा रहा हो। ये अघोषित आपातकाल है और देश में अघोषित तानाशाही का उदय है और इसके खिलाफ देश की 140 करोड़ की आबादी पूरी तरीके से खड़ी है और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हुए थे और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है माननीय डीएम साहब को और हमारे तमाम साथियों को जिस तरीके से पुलिस ने डिटेन किया है, हम उसके खिलाफ भी अपना रोष प्रकट करते हैं। शराब घोटाले की बात करें तो पहले व्यक्ति तो है ना, इसके पहले भी संजय सिंह गए हैं, तमाम लोग गए हैं, तो पहले व्यक्ति तो है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ये परंपरा जो डाली गई है बीजेपी के द्वारा, मतलब जिसको गिरफ्तार कर लिया जाए ज़रूरी नहीं है कोई दोषी है, कोई साबूत नहीं है, कोई अभी तक किसी प्रकार का एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है, केवल ये लोकतंत्र की हत्या है कि किसी को उठाओ और उसको जेल में डाल दो और बाद में जब साबित होगा निर्दोष है तब तक उसके जीवन का एक लंबा समय गुजर चुका होगा और राजनीति के जो लुटेरे हैं ये तब तक देश की सत्ता को खा चुके होंगे दीमक की तरह। ये उनकी साजिश है, उनका षड्यंत्र है। नौ संबंध भेजे गए थे, हाँ, तो ये नौ संबंध जो आप द्वारा बताया जा रहा है ये सारे के सारे अवैध थे, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने माननीय न्यायालय महोदय को भी अवगत कराया था और न्यायालय से नवे संबंध की जो बात है उसी दिन न्यायालय ने उनको जो है राहत दिया था कि गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन उसी रात देश का डरा हुआ तानाशाह, जिसे हम दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे नेता को गिरफ्तार कर लेता है। आज जनपद में धारा 144 लागू चुनाव आचार, क्या आपने कोई आदेश कराया था? हमने हमारे संगठन ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक पत्र दिया था कि हम लोग ये कार्यक्रम एक शांतिपूर्ण ढंग से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में बैठ करके अपना एक प्रकट करेंगे, रोष अपना प्रकट करेंगे। हम लोग किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं करेंगे, कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई ऐसा काम नहीं करेंगे काम जनमानस को कोई तकलीफ हो, और पूरी तरीके से धारा 144 का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग गांधीवादी विचारधारा के साथ बैठे हुए थे। इतने में पुलिस आई है और बड़ी बर्बरता के साथ हमारे साथियों को गिरफ्तार करके ले गए। लोग धरने पर बैठे हुए, हम तकरीबन 4-5 की संख्या में वहाँ रहे। 4-5 की संख्या में धारा 144 लागू होता है? अब ये आप पत्रकार साथी आप जाने। नहीं, आप लोग प्रवक्ता हैं, नेता हैं। नहीं, बिल्कुल। 144 का क्या नियम रेगुलेशन जानकारी? मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि धारा 144 से हम लोग सहमत हैं और उस पर हम लोग पूरी तरीके से उसका पालन करते हैं। लेकिन धारा 144 का तात्पर्य नहीं है कि चार लोग यहाँ अभी आप बाइट ले रहे हैं, लगभग एक दर्जन पत्रकार साथी खड़े हैं और पीछे 4-6-10 लोग और भी खड़े हैं। अगर देखा जाए उस तरीके से भी लोकतंत्र में धारा 144 का उल्लंघन है, तो कैसे हो सकता है? अपनी बात नहीं है, ये बयान हो रहा है, आपकी बात नहीं, नहीं, मैं आपसे डिबेट नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या आपका परिचय है ये बताएं? मैं विवेक आज़ाद, पूर्व प्रदेश सचिव, आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश।